हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ड्यूई स्किन कैसे हम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर मसाज करना है। देन आई एम यूजिंग मालियो का ये ड्यूई फिनिश मिस्ट है। इसको मेकअप के बाद और मेकअप से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा फिंगर टिप से इसको भी डैप करिए ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन हाइड्रेट हो जाए। देन आई एम यूजिंग दिस पिंक लाइट स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम मैक। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है मैक का। बहुत ही बढ़िया है। कभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ अच्छी चीज़ लेना है मैक से, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये स्ट्रोब क्रीम बहुत ही अच्छा एक पर्ल शाइन देता है फेस में, शाइन एज इन ग्लो देता है। एंड इसको मैं पूरे फिंगर टिप के हेल्प से बहुत हल्का हल्का रब करके फेस पे यूज़ करूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर जैसे हम लगाते हैं इस तरीके से ना लगाएं, क्योंकि अगर आपको ग्लोई स्किन दिखाना है इसीलिए आपको कुछ स्पेसिफिक मेकअप टेक्निक फॉलो करना है ये लुक अचीव करने के लिए। और गाइस, स्ट्रोब क्रीम का जो कंटेनर है वो ऐसे नहीं दिखता है, ये टेस्टर है। और इसका जो भी कंटेनर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे है, और कभी भी आप मैक विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, एक सिल्वर मिलेगा आपको, गोल्ड मिलेगा, पिंक एंड एक प्लेन। ये बहुत अच्छा है, ये हाइड्रेट भी करता है एंड ग्लो के लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है ये। देन आई एम यूजिंग कंसीलर, उसमें NC30 यूज़ कर रही हूँ और मैं फिंगर टिप से इसको स्पेसिफिक पोर्शन पे ही यूज़ करूँगी। और लगाते वक्त बहुत ही केयरफुली यूज़ कर रही हूँ, डैप करके यूज़ करूँगी मैं इसको, क्योंकि आप इसको ज़्यादा रब करेंगे तो आप ये लुक बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइस, फॉलो द टेक्निक्स जो मैं लगा रही हूँ, जिस तरीके से फिंगर टिप से जिस पोर्शन पे मैं यूज़ कर रही हूँ उसी पोर्शन में आपने यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आप कंसीलर लगा के या फाउंडेशन लगा के जैसे हम नॉर्मली ब्लेंड करते हैं उस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जहाँ पे भी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो लाइक सेंटर टी जोन जिसको हम बोलते हैं, सेंटर पोर्शन मोस्टली, और ये अराउंड द लिप्स हो गया, वहाँ पे आपने यूज़ करना है कंसीलर को। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम, और बीबी क्रीम की जगह में आप फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली आपको बीबी क्रीम ही यूज़ करनी है, या फिर कोई टिंटेड फाउंडेशन जैसे आता है बहुत ही लाइट वाटर वेट, इस टाइप का फाउंडेशन भी चलेगा। देन इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बट बहुत केयरफुली, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके नीचे कंसीलर लगा चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर देके रब करेंगे तो कंसीलर जो है वो हट भी सकता है। इसीलिए आप इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करिए। देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का कंटूरिंग पैलेट। एंड इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी कि एक तरफ हाइलाइटर और एक तरफ कंटूरिंग कलर दिया हुआ है, एंड इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। इतने अमाउंट में आई डोंट थिंक सो हमें कहीं और दूसरे ब्रांड में इतनी बड़ी कंटूरिंग पैलेट मिलेगी, सो यू कैन ट्राई। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी किस ब्यूटी का ब्लशर, एंड मेक श्योर कि आपका जो ब्रश प्रेशर हो वो एकदम ही हल्का मेंटेन करके रखे पूरे मेकअप में, तब जाके आप किसी भी लुक को अचीव कर सकते हो। देन आई एम यूजिंग लूज पाउडर। और एक और चीज़, लूज़ पाउडर की जगह में आप कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस लुक के लिए आपको लूज़ पाउडर ही यूज़ करना है, और वो भी सिर्फ सेंटर में, ओनली इन द सेंटर। और आप यहाँ पे टेक्निक देख सकते हैं, मैं अपने ब्रश को बिल्कुल भी स्वीप नहीं कर रही हूँ, इसको डैप कर रही हूँ पूरे सेंटर पोर्शन में ताकि अच्छे से डिपॉजिट हो जाए। देन आई एम यूजिंग दिस हाइपर ग्लो हाइलाइटर, उसमें से मैंने गोल्डन कलर लिया है अपने चीक बोन को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो स्किन फोकस था आज का, ड्यूई स्किन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। देन आई एम यूजिंग अगेन द सेम फेस मिस्ट, जो कि आपने आई मेकअप के सामने हाथ रख के थोड़ा सा लगाना है, एंड यू कैन सी द मैजिक ऑन माय स्किन। सो थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस मेकअप ट्यूटोरियल। इफ यू लाइक दिस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।